जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे केवीएस में पूछे जाने वाले पांच टॉप प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी म्यूजिक का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो ये पांच ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी तक के केवीएस हुए परीक्षाओं के जो इंटरव्यू हुए हैं उनसे लाया गया प्रश्न है, और आपके सामने ये पाँच प्रश्न, इन पाँचों प्रश्न का जवाब आप साक्षात्कारकर्ता के सामने कैसे देंगे। एक पहला सवाल है, एक स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका का क्या कर्तव्य है? आप अपनी कक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे? आप एक आलसी बच्चे को कैसे संभालेंगे? ये पांच टॉप कैसे सवाल हैं जिनको आपके जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, या इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी आपको भेज देने हैं। आइए इन पांचों सवालों के जवाब हम एक एक करके क्रम और रूप से जानते हैं। जी हाँ, अगर ये सवाल इंटरव्यू आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर या साक्षात्कारकर्ता, कि एक शिक्षक के कर्तव्य क्या है, एक शिक्षिका के कर्तव्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल शिक्षक के अगर सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य होते हैं उनमें है संगोष्ठी और प्रस्तुतियों के लिए सामग्री तैयार कराना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, छात्र की प्रगति और चर्चा अवधारणाओं का आकलन करना। फिर अनुशासनात्मक कार्रवाइयां लागू करना और प्रगति की रिपोर्ट आयोजित करना। प्रशासनिक और बजटीय निर्णय लेना। प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के जो कमियां रही हैं उसे सुधारने के लिए हमें हमेशा तत्पर भी रहना होगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो 400 विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर एक साथ नहीं होगा। उनके आधार पर हमें शिक्षण विधियों को भी बदलते रहना होगा। एक और सवाल है जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा गया, कह रहा है कि शायद आपने भी देखा होगा कि क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? ये सवाल अगर आपके सामने आएगा इसका जवाब आप क्या देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। आपके मन में अभी तक क्या आया कि आप अगर कक्षा में बैठे होते तो आज आप इसका जवाब क्या देते हैं? तो यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो साक्षात्कारकर्ता है, वो ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर के जो बेसिक बुनियादी ज्ञान है वो आपके पास है या नहीं, जिसका प्रयोग कक्षा कक्ष के अंदर होना है। इसमें एमएस ऑफिस के बारे में अपने ज्ञान को बताएं। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेस, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और इंटरनेट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंटरनेट है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एमएस ऑफिस है, वर्ड है। ये ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको अपने आपको सामने बताना है और कहना कि जी हाँ, हमें कंप्यूटर का ज्ञान है। और अगर पूछेंगे क्या क्या, इन चीजों का जिक्र जरूर करेगा, क्योंकि यही एक ऐसे बेसिक है जो एक शिक्षक को, एक केबीएस में शिक्षक बनने जाने वाले टीजीटी पीजीटी पीआरटी म्यूजिक सभी के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। पूछा जाता है, एक और आपने प्रश्न देखा होगा, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, कि आप अपनी कक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो जरा आप बताइए, आपने इसमें क्या सोचा, आपके दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर क्या आया कि क्या आप अपनी कक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर सकती हैं या कैसे कर सकते हैं? जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, यहां पर एकमात्र उद्देश्य इसका यह है कि आप बच्चों को ई लर्निंग जैसे तकनीकों को कैसे प्रयोग में लाएंगे, जैसे दृश्य शब्द सामग्री प्रोजेक्टर के मेथड से कैसे पढ़ाएंगे, डिजिटल क्लास का कैसे प्रयोग करेंगे, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इस प्रकार हमें आपको ये बताना है कि वह ये जानना चाह रहा है कि आप कक्षा में शिक्षण की ई लर्निंग जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग कैसे कर पाएंगे। दीक्षा ऐप का कैसे, बोलो ऐप, दीक्षा ऐप, इनका प्रयोग कक्षा कक्षा के अंदर हम कैसे कर पाएंगे। और एक सवाल इंटरव्यू आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मोबाइल का बच्चों के ई लर्निंग को किस प्रकार से मदद कर सकता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है। एक सवाल था कि आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे, जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के तरीकों को आप जानते भी हैं नहीं, या कि लड़कों को मार देंगे, डंडा लेके पीटना शुरू कर देंगे, बच्चे अनुशासित हो जाएंगे। जी नहीं, वह ये जानना चाहते हैं। आप निम्नलिखित जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा।
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो और शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे तो शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों को शेयर करिएगा। प्रतिदिन आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज डे बाय डे आती रहेगी। जैसे इसमें से आप कह सकते हैं, सीखने को मजेदार बनाएं। मनोशासित रखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सीखने को मजेदार बनाएं। अपने बच्चों को जाने कि कब उनका पढ़ने का मन होता है, कब उनका खेलने का मन होता है, कब वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अपनी कक्षा को व्यवस्थित रखें, बच्चों से वाद विवाद करने से बचे, हर वक्त बच्चों से वाद विवाद करने से बचे, धमकी का, व्यंग का, कटास का इनका प्रयोग ना करें। अच्छे काम, अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छे व्यवहार का तारीफ करना ना भूले, शाबाश, बहुत अच्छा किया। समय पर और पेशेवर तरीके से क्लास शुरू करें, समय से शुरू करें। ऐसा नहीं क्लास में आप लेट जाए तो बच्चे, अरे यार ठीक है सर तो आएंगे, मैम तो आएंगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। माता पिता और बच्चों को मानकों और परिणामों की सूची प्रदान करें, हमेशा निष्पक्ष रहें, सकारात्मक रहें, सुसंगत रहें। अनुशासन प्रक्रियाओं के लिए स्कूल के दिशा निर्देश को भी जानना जरूरी है, यह काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कई बार क्या होता है कि ग्रेड असाइनमेंट और जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस कर दें। ऐसा नहीं असाइनमेंट रख लीजिए, उनकी वर्कबुक की कॉपी अपने पास रख लीजिए, अरे ठीक है चेक करके देंगे ना, जी नहीं, ये काम भी आपको समय से करना होगा। अगर आप समय के पाबंद होंगे तो बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चे के लिए आप आइडियल होते हैं। इसलिए इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जब बच्चे काम कर रहे हो या निर्देशों का जवाब दे रहे हो, गतिशील रहे, कमरे में इधर उधर घूमते रहे, मैंने बच्चे के साथ क्या गतिशील रहे, कमरे में घूमते रहे, ऐसा नहीं है आराम से चेयर बैठ गए हैं, आराम से बच्चे कर रहे हैं, हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे। आपको भी बच्चों के साथ गतिशील करना होगा, चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे वो निर्देश का जवाब दे रहे हो या ड्राइंग बना रहे हो। बच्चों के साथ साथ क्या होगा, अगर बच्चे व्यस्त है तो आपको पूरी कक्षा में भी इधर उधर घूमते रहना चाहिए, ऐसा नहीं चेयर पर बैठ दें। इसलिए प्राय कक्षा में क्या होती है, आपने देखा होगा स्कूल में टेबल मेज नहीं रखी जाती, चेयर नहीं रखी जाती, प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी जगह देखा होगा, क्योंकि आप बैठने के लिए नहीं गए, आपका बस ध्यान सारे बच्चों पर होगा। एक सवाल अंतिम है और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। हाँ, आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं सभी लोग। आखिरी सवाल है, आप एक आलसी बच्चे को कैसे संभालेंगी, आप एक आलसी बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अगर आप भी केवीएस के मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप केवीएस का मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं मैं एक नंबर दे रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, ये नंबर आपके साथ काम आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा, वैसे मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आप उसका मैं ई लर्निंग के तरीके से जो टेलीग्राम है ना वहाँ पे जुड़कर आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप एक आलसी बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो जानते रहे, इस प्रकार के प्रश्न एक कठिन बच्चे को संभालने के लिए आपके कौशल का परीक्षण करते हैं। इस तरह उत्तर देने का प्रयास करें कि आपके एक अच्छे शिक्षण को उजागर करें। उसके लिए बच्चों को कहानी सुनाएंगे, बच्चों के लिए खेल का आयोजन करेंगे, जब खेल का आयोजन करेंगे उसको कैप्टन बना देंगे तो बच्चा क्या उनके साथ दौड़ेगा, तो जब खेल का आयोजन करेंगे कक्षा का मॉनिटर बना देंगे। इस तरह से हम बच्चों को हम अपने शिक्षण कौशल के माध्यम से उसके हम आलसपन को दूर करने का प्रयास करेंगे, या कह देंगे देखते हैं सबसे पहले जितने कमरे हैं उसमें कितने पंखे ले कौन गिन के आता है, चलो राम और श्याम तुम चाहो, तो ऐसे क्या होगा तीन चार लोग का नाम, इसमें एक आलसी बच्चे का भी नाम हो, अब वो बच्चा भी उन लोगों के साथ क्या कर प्रतिस्पर्धा करेगा, तो दौड़ कर जाएगा, गिन के आएगा, टॉफी दीजिए, बिस्किट दीजिए। तो इस तरह से करके हम उसके आलसपन को भी दूर कर सकते हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल है मेरा, शायद आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अगर आप इंटरव्यू कक्षा में जा रहे हैं तो
आप अपने लिए कौन सा ड्रेस प्रिफर कर रहे हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा सवाल है कि एक केवीएस के इंटरव्यू देने जाने से पहले, कोई भी इंटरव्यू देने जाने से पहले ड्रेस कोड क्यों जरूरी है, किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले या इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। ये वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। आप सभी का थैंक यू। क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसे लगे, सवाल कैसे लगे, ये वही सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। और इस बार आप खुद से तैयार रहिएगा और अपना बेहतर दीजिएगा। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहे हैं ये काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, काफी यूनिक है, क्योंकि इन सभी जगह से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए हैं, इसका उत्तर एक बार तैयार कर लिया है, तो आपको आसानी होगी देने में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं केवीएस का मॉक इंटरव्यू देना, तो आप जुड़े रहिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर, जुड़िएगा जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं सभी लोग। तो थैंक यू, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012।